नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो आरटीआई है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा कि आरटीआई में क्या चीज़ें थी। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने धरना दिया था और धरना का जो इफेक्ट हुआ, डीएसएसबी मैम ने आपको मैंने बताया था कि डीएसएसबी मैम ने अंदर से जैसे पेज मंगा के जो मांगे थी वो पूछनी चाहिए और बाद में बच्चों ने कहा कि मांगे हमारी स्पष्ट दिख रही हैं, हम यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए, हम कोई पेज पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें शांतिपूर्ण रही, बच्चों ने अपनी मांगे रखी और उसका इफेक्ट भी हुआ। तो धैर्य जी ने जब आरटीआई देखी तो उसके बाद जो धरना था वहाँ पे स्थगित कर दिया, बंद कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएसएसबी का जवाब था उसमें कि रिजल्ट वो जल्दी देने वाले हैं। तो इसके बाद धैर्य जी ने हमने मिलके क्या किया कि जो रिजल्ट है वो जल्दी आ सकता है और अगर नहीं आता है तो उसके लिए हम बाद में धरना देंगे। तो 15 तारीख तक, अगर 15 जनवरी तक रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद और प्लानिंग की जाएगी कि धरना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। तो गाइस, क्या है उस आरटीआई में, मैं आपको बता देता हूं, आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिप्लाई आया है डीएसएसबी का, वो आया है रिपीटेड क्वेश्चन के लिए। मैं आपको सिंपल हिंदी में बता देता हूं, डीएसएसबी ने जो रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो उनका जो रिपीटेड क्वेश्चन का मैटर है वो सारा सॉल्व कर दिया उन्होंने और उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है कि रिपीटेड क्वेश्चन किस तरह किए जाएंगे, किस तरह चेंज किया जाएगा, कितने काटे जाएंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें डीएसएसबी कर चुका है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत जल्दी, मतलब रिजल्ट का जो कट ऑफ वगैरह होगा उस टाइम डिस्क्लोज कर दी जाएगी, मतलब वो उस टाइम बता दी जाएगी। तो डीएसएसबी ने रिपीटेड क्वेश्चन का डिसीजन ले लिया है कि किस तरह वो रिपीटेड क्वेश्चन को हटाएंगे, कितने हटाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और रिजल्ट के साथ वो सारी चीज़ें अनाउंस कर दी जाएंगी। तो पहला रिप्लाई ये था। इसके बाद सेकंड जो रिप्लाई है, 16/17 और 89/17 जो पोस्ट कोड है, इनके बारे में, तो डीएसएसबी ने क्या कहा है कि जो रिजल्ट है वो विल बी डिक्लेयर्ड सून। आप देख सकते हैं विल बी डिक्लेयर्ड सून कि रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये जवाब है आरटीआई एक्ट 2005, जो आरटीआई होती है उसका जवाब है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने केस भी किया है, वो लोग आपको पता है कि जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है। कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले आप सभी साथियों के लिए है, क्योंकि हम आपसे अलग नहीं है। और ऐसा नहीं, जो 30 वाले साथी थे उस दिन आए थे धरना में, तो बहुत अच्छा लगा देख के, तो उन्होंने भी जो अपनी मांगे रखी। तो ऐसा नहीं है कि 30 वाले हमारे साथ नहीं है, 30 वाले भी, 28 वाले भी, 13 वाले भी, 14 वाले भी, सभी साथ हैं। और 13 14 वाले जो साथी थे वो ऐसे नहीं कि दुखी हैं कि 30 वालों को बेनिफिट मिले, वो दुखी नहीं है, वो खुश है, वो खुद चाह रहे हैं कि 30 वालों को बेनिफिट मिले। और 30 वाले जो साथी थे वो भाई खुद बोल रहा है कि मेरे साथ और भी साथी हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि 30 वालों मतलब एग्री हैं कि रिजल्ट जल्दी आए। तो साथी, उम्मीद यही है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और हालांकि जो डीएसएसबी का जवाब आया है काफ़ी संतोषजनक है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने की संभावना है। हालांकि कल एक अफवाह भी चल रही थी, जो सर थे उनको शायद किसी ने गुमराह कर दिया था, अच्छे सर हैं लेकिन हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उन्होंने बाद में एक माफ़ी भी मांगी थी कि उनसे गलती से वो वीडियो डल गई है। तो रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको मतलब बता दिया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर नहीं आता है तो हम फिर भी आप सभी के साथ हैं, लेकिन आप सभी का हमें सहयोग चाहिए, इसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप सभी का सहयोग चाहिए, जिससे डीएसएसबी पे दबाव बनाया जाए, और अगर दबाव बनता है तो रिजल्ट जल्दी आ सकता है। हालांकि उम्मीद तो यही है कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा डीएसएसबी का। और इसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका मैटर भी उन्होंने सॉल्व कर दिया है, वो बोल रहे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका मैटर वो सॉल्व कर चुके हैं और बहुत जल्दी कट ऑफ के टाइम पे वो डाल देंगे।
तो साथी अभी देखते हैं, उम्मीद यही है कि सभी के साथ बहुत अच्छा होगा और मैं खुद ये चाहता हूँ कि सभी साथियों को बेनिफिट मिले, 30 वाले जो मेरे भाई हैं उनको बिल्कुल बेनिफिट मिले। ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि 13-14 वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, नहीं, उनको उनका भी इतना नुकसान ना हो, लेकिन 30 वाले साथियों के लिए मैं स्पेशल चाहता हूँ उनका नुकसान ना हो। हालांकि केस करने वाले जो साथी हैं वो चाहते हैं कि 30 वालों को बेनिफिट मिले, 13-14 वालों के लिए तो स्पेशल उन्होंने केस कर रखा है कि उनको बेनिफिट मिला है, 28 वालों के लिए भी कर रखा है। तो ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि सभी को बेनिफिट मिले। तो गाइस थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।